क्या हाल है ड्रेविडियंस ड्रेविडियंस, आज हमारे पास जेब्रोनिक्स के न्यूली लॉन्च जेब्रोनिक्स स्पोर्ट्स 2 दोस्तों। बजट सेगमेंट में जेब्रोनिक्स ने अपने ये नए TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं दोस्तों। आज देखेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, क्या स्पेसिफिकेशन और किस प्राइस सेगमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ड्रेविडियंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं जेब्रोनिक्स स्पोर्ट्स 2 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हर बार की तरह सबसे पहले हम देखेंगे इस बॉक्स के ऊपर क्या मेंशन है। फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे वायरलेस ईयरबड जैप पोर्ट 2 लिखा हुआ दिखेगा। साइड में दोस्तों यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक, ब्लू और नियोन कलर 3 ऑप्शन के साथ ये देखने के लिए मिलता है। अदर साइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको LED डिस्प्ले, बैटरी इंडिकेशन, स्प्लैश प्रूफ, 10 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम, टच कंट्रोल, टाइप सी चार्जिंग, कॉल फंक्शन, 6 mm के ड्राइवर्स, पोर्टेबल चार्जिंग केस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों ये वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। आप गूगल यूज करते हैं, शिरी यूज करते हैं, दोनों को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन है और प्राइस आपको पता ही है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है 2199 रुपये, जो कि नहीं होने वाला है। हर बार की तरह ऐसा ही होता है कि बड़ा प्राइस दिखा के दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट आपको दिया जाता है ताकि आप प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पे दोस्तों हम प्राइसिंग के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि प्राइसिंग आपने दोस्तों बैनर में भी देख ली होगी। यहां पे दोस्तों मैं बताने वाला हूं इसके फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यूज कहने से होने वाले हैं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अनबॉक्सिंग के बाद हमें मिलता है ये कार्ड जिसपे दिया गया एक बार कोड, जिसे स्कैन करके आप यूजर मैनुअल यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब वो सारे दस्तावेज दोस्तों यहाँ पे इस बार कोड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कागज बचाया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे निकलता है चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। एट द एंड दोस्तों यहाँ पे निकल के आते हैं अमेजिंग सी लुक के साथ ईयरबड। दोस्तों कहना पड़ेगा दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टाइलिश लुक है दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको ऑन द टॉप दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों आपको एक LED इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको आपकी जो बैटरी है उसको कितना परसेंट चार्ज है, कितना रहती है, वो सब यहां पे देखने के लिए मिलेगा। दोनों ईयरबड्स पे दोस्तों LED लाइट आपको ब्लिंक करते हुए दिख जाएगी। अगर आप यहां पे देखेंगे दोनों पे आपको ग्रीन कलर की ये लाइट यहां पे देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। चार्जिंग इंडिकेशन मतलब ये चार्ज हो रहा है। जेब्रोनिक्स का लोगो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट साइड पे। और बैक साइड पे बात करेंगे तो USB टाइप सी पोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लीड ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम इन्हें निकालते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अभी केस को रख देते हैं हम एक साइड। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिले, कंचा स्टाइल में दोस्तों यहाँ पे ईयरबड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़े से हैवी भी ये मुझे लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो इन्हें देख के मुझे फील आ रही है, इन्हें देख के मुझे ये लग रहा है कि भाई ये भागते हुए ना गिर जाएंगे, मतलब कान वगैरह से निकले गिर जाएंगे और ये एक बार गिरे और उनका हो गया सत्यानाश, टूट टाट ना जाए। वो भी मैं देखूंगा यहाँ पे थोड़ा सा करके ना कि ये कहीं गिरते हैं नहीं, वो भी सारी चीज़ देख कर जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि स्पेसिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, मतलब म्यूजिक वगैरह सुन के देखते हैं कैसी मिलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने भी म्यूजिक सुना और मैंने भी कुछ यहाँ पे गाने वगैरह एंजॉय किए दोस्तों। यहाँ पे साउंड क्वालिटी नो डाउट काफी डिसेंट आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ तो जो धमक होती है ना दोस्तों वो इतनी हाई नहीं मिलने वाली, मतलब बेस काफी हाई नहीं मिलने वाला, डिसेंट साउंड क्वालिटी, कानों में वो चुभन नहीं होने वाली और काफी कंफर्टेबल फिट डेफिनेटली इनकी है। मतलब ऐसे मुझे लग रहा था कि शायद ये भारी लगने वाले हैं लेकिन वो नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे आपको डर रहने वाला है कि कान से निकल के गिर ना जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम जंपिंग वगैरह करके देखते हैं, थोड़ी रनिंग वगैरह करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हाँ हल्की सी जो ग्रिप है वो लूज डेफिनेटली हुई है। तो कुछ टाइम तक अगर आप रनिंग करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपको 15-30 या 1 आवर तक रनिंग करना है तो ये डेफिनेटली निकल के गिर जाएंगे, तो ये उस चीज़ के लिए नहीं है। वॉक वगैरह करते हैं तो ये नहीं गिरने वाले, उसके लिए ग्रिप काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपकी हेड मूवमेंट्स कुछ इस तरीके से होती है, आप जंपिंग वगैरह करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं जिम में, तो ये गिर जाएंगे, तो उस तरह की ग्रिप इसकी नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये तो बात हो गई ग्रिप्स के बारे में दोस्तों। यहाँ पे इसके डिज़ाइन की अगर बात की जाए
तो यहाँ पे दोस्तों इस पे आपको ज़ेब्रोनिक्स का लोगो देखने के लिए मिलेगा, एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया और काफ़ी सही है। यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग के लिए दोस्तों पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी स्टाइलिश सा दोस्तों यहाँ पे डिज़ाइन भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसकी कॉल क्वालिटी टेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, एक दो कॉल करके देखता हूँ और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ उसके बाद दोस्तों कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है। लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। कॉलिंग क्वालिटी की बात की जाए तो वो एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी बेकार यहाँ पे लगा। जी हाँ दोस्तों, कॉलिंग क्वालिटी में दोस्तों जब आप किसी को कॉल करेंगे तो उसको आपका साउंड बहुत ही कम आने वाला है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बार बार हो जाएगा और अगर कहीं भीड़ वगैरह में कहीं हुआ तो उसको भूल जाओ कि उसको तो होने ही वाला है दोस्तों, उसको तो प्रॉब्लम आने ही वाली, वो आपकी आवाज़ ही नहीं सुन पाएगा मतलब भीड़ वगैरह में, तो क्योंकि वैसे ही इतनी कम आती है इसकी आवाज़। बट आपको उसकी आवाज़ काफ़ी आराम से आ जाएगी, मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों आप जब बात करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। अब एट द एंड दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यूज के कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो म्यूजिक सुनने के लिए काफी अच्छे, कॉल क्वालिटी काफी घटिया है, नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये ले, क्योंकि अगर आप ये लेते हैं तो यहां पे आपको कॉलिंग करते हुए काफी प्रॉब्लम आने वाली है, मतलब अगर आप कॉल्स वगैरह पर्पज के लिए कोई देख रहे हैं तो ये मैं रिकमेंड आपको नहीं करने वाला। इंप्रूवमेंट की जरूरत है, डिजाइन काफी स्टाइलिश है दोस्तों यहां पे और म्यूजिक की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मतलब म्यूजिक के लिए साउंड काफी अच्छा है यहां पे, लेकिन कॉलिंग के लिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर इनके प्राइसिंग की बात की जाए तो ये अभी अमेजोन पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं 699 रुपीज़ में। अगर आपने ये परचेज़ किए और आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है या फिर दोस्तों आपका कुछ डिफरेंट रिव्यू है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे मेरे पास ज़ेब्रोनिक्स के पोड्स 2 दोस्तों, जिसका मैंने फर्स्ट इंप्रेशन एकदम ऑनेस्ट इंप्रेशन किया। आपको ये इंप्रेशन और रिव्यूज़ की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।